हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग है अडे इन द लाइफ ऑफ अ मेडिको। तो हमारे कैंपस में ही जिम है, सो दिन की शुरुआत करते हैं थोड़ी सी वर्कआउट से। अगर थोड़ी सी भी एक्सरसाइज कर लो सुबह, तो पूरा का पूरा दिन आपका प्रोडक्टिव जाता है। अब मेंटल हेल्थ के साथ फिजिकल हेल्थ भी तो जरूरी है। तो थोड़ी सी वर्कआउट के बाद आई हैड पपाया इन माय ब्रेकफास्ट, क्योंकि मुझे मैस के पराठे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देन टाइम हो चुका था क्लास जाने का। तो हमारी क्लासेस LT में होती है 8 बजे से, बट यूजुअली टीचर्स खुद 8:15 तक आते हैं, तो हमसे क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे कि हम 8 बजे आएँ। तो हमारी पहली क्लास थी ऑर्थो की, और टॉपिक चल रहा था पॉट स्पाइन, और ये क्या, सर के पढ़ाने से पहले ही लाइट चली गई। तो जब तक सर बाहर थे, तब तक सबके गप्पे होने लगे। देन सर PPT से हमें पढ़ाने लगे, फिर 8:45 तक सर ने पढ़ाया होगा, देन हमारी अटेंडेंस ली और एक एक करके बाहर भेजते गए। अब मेरा तो रोल नंबर रहा 1, तो सबसे पहले आउट मैं हुई। फिर 9 से 12 तक हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग चलती है, तो कॉलेज की बस से ही जाते हैं। वैसे तो आधे से ज़्यादा अपनी अपनी स्कूटी से ही हॉस्पिटल पहुँचते हैं। हमारे साथ हमारे जूनियर्स भी हमारे साथ जाते हैं, और देन हम हॉस्पिटल पहुंच गए। अब आज था मंडे, तो पेशेंट लोड तो भाई बहुत ही ज़्यादा था। देन हमारी 3 महीने मेडिसिन करने के बाद जाके सर्जरी में पोस्टिंग लगी है। मंडे को होता है हमारा OPD, तो सर्जरी की OPD ग्राउंड फ्लोर पर ही है, तो हम सब टीचिंग रूम में जाके बैठ जाते हैं। हम सब आए ना आए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम्हारी लॉग बुक जरूर होनी चाहिए। अब कुछ तो होना चाहिए केस दिखाने को, तो वही सब लिखने लगते हैं हम सब बैठ के। देन 9:30 तक OPD में चले जाते हैं, और फिर वहाँ पर जो भी केस दिखाया जाता है उसे हमें लॉग बुक में लिखना होता है। देन हमारे PGJRs उसे करेक्ट कराते हैं, और 12 बजते ही अटेंडेंस साइन करवा के वापस बस से LT, और आज फिर से सर्जरी की क्लास है 12 के पास। अच्छा खासा बहाना रहता है, तो 12:30 तक सब लोग आ जाते हैं। देन 12:15 तक तो टीचर्स खुद ही आते हैं, और आज का टॉपिक था एनोमलीज ऑफ ब्रेस्ट। लेकिन सच में सर का लेक्चर बहुत ही बोरिंग था, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, इसलिए मन भी नहीं कर रहा था पढ़ने का। और ये मोहतरमा अपना ही कुछ पढ़ने में लगी हुई थी। एट लास्ट सर ने 1 बजे अटेंडेंस लेके छोड़ ही दिया। और आता भी कौन है पढ़ने के लिए, सिर्फ अटेंडेंस चाहिए होती है, इसीलिए आना पड़ता है हमें। और अटेंडेंस ही है जिसकी वजह से हम क्लास जाते हैं, अदरवाइज कोई भी ना जाए क्लास। फिर जल्दी जल्दी हॉस्टल पहुँचे लंच ब्रेक के लिए। 1 से 2 हमारा लंच ब्रेक होता है, तो गरम गरम खाना खाया, और फिर जो खाना खा के नींद आती है भाई साहब, उसका कोई जवाब। और अभी क्लासेस ख़त्म नहीं हुई है, 2 से 4 फिर से मेडिसिन की डेमो क्लास है, जिसमें कोई भी नहीं आता है, तो क्यों ही जाना। और आज ही हेल्थ मिनिस्टर भी आए हुए थे, जिसमें मैं नहीं गई थी, बट हाँ वीडियो ज़रूर मंगाई थी। असहाय व्यक्ति की सेवा करेंगे, ऐसा आपसे एक निवेदन करते हुए अपनी वाणी को यह विराम देता हूं। आप यहां पहुंचे, सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जय हिंद, जय उत्तराखंड। धन्यवाद। हॉस्टल में लाइट भी नहीं आ रही है अभी, तो मैं तो जा रही हूँ लाइब्रेरी। AC भी पूरा मस्त चलता है वहां पे, आराम से सोना है तो सो जाओ। अचानक से इतनी गर्मी शुरू हो गई कि रूम पे ना रहा जाता है और ना ही पढ़ाई हो पाती है। और एक बार आपको लाइब्रेरी की आदत पड़ गई, तो आप रूम पर वैसे भी नहीं पढ़ पाओगे। देन पढ़ाई वगैरह ख़त्म करने के बाद बैक टू आर गर्ल्स हॉस्टल। और अब इतने सारे कुत्ते हो गए हैं हमारे हॉस्टल में, जिनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर पाना नामुमकिन है। तो अब डायरेक्ट डिनर करने के बाद रूम पर ही जाऊंगी। तो आज बना था कटहल की सब्जी और दाल, आज इन्होंने सब्जी सच में अच्छी टेस्टी बना रखी थी। मैं रूम पे आ चुकी हूँ, क्योंकि अब डे हो चुका है ओवर। सो इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म हुई। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। बाकी मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, गुड नाइट।